हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आधार कार्ड से सीडेड बैंक की डिटेल को कैसे चेक करें। दोस्तों, गवर्नमेंट की स्कीम का जो भी अभी पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है लोगों के अकाउंट में, वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि डीबीटी का पैसा आपके अकाउंट में तभी आएगा जब आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से सीडेड होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करें कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से सीडेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, आपको जो है आधार कार्ड के वेबसाइट की इस पेज पे आना है। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड का नंबर जो है 12 डिजिट का एंटर करना है। फिर जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। कैप्चा को एंटर करने के बाद फिर सेंड ओटीपी का बटन है, आपको सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, लेकिन कभी कभी यहाँ पे आपको एरर बताता है कि इनवैलिड कैप्चा का, तो आपको दोबारा फिर ट्राई करना है। दोबारा अपना कैप्चा जो है यहाँ पे एंटर करना है और कैप्चा को एंटर करने के बाद फिर सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, सेंड ओटीपी जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे अब इस बार ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे जो 6 डिजिट का ओटीपी आया है, उस ओटीपी को यहाँ इस ओटीपी बॉक्स में जो है एंटर करना है। उसके बाद सबमिट का बटन है, आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इनवैलिड यूआईडी का ऑप्शन आएगा। ये कभी कभी एरर ऐसा आता है तो आपको फिर से दोबारा ट्राई करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है, फिर उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद जो ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, लेटेस्ट वाला नया वाला ओटीपी, वो आपको फिर जो है यहाँ पे ओटीपी के बॉक्स में नीचे आके एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद फिर देखिए सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो कभी कभी एरर आता है लेकिन आपको दोबारा ट्राई करना है। सो इस तरह से जब आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आपके सामने जो है आपके आधार से जो सीडेड बैंक का डिटेल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है इस बार हमारे आधार से सीडेड बैंक की डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे हमें पता चल गया है कि जो है हमारा बैंक सीडिंग स्टेटस क्या है और बैंक सीडिंग डेट क्या था और कौन सा बैंक जो है हमारे आधार कार्ड से सीडेड है, यानी कि मैप किया गया है, क्योंकि इसी में जो है सरकार द्वारा डीबीटी का पैसा हमारे आधार सीडेड बैंक में ही आएगा। चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे पेंशन का पैसा हो, या फिर कोई भी सरकारी पैसा हो, आपके आधार सीडेड बैंक में डीबीटी के माध्यम से ही वो पैसा जो है सरकार द्वारा दिया जाएगा। सो दोस्तों, इस तरह से जो है आप ऑनलाइन खुद ही जो है अपने आधार सीडेड बैंक की डिटेल को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।